अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम उस्मान अपने YouTube चैनल इन्फो ऑनलाइन में एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर कोई आदमी किसी कंपनी में काम कर रहा है और कंपनी के अंदर उसका जो वीज़ा है उसकी टाइमिंग पूरी नहीं होती, यानी अगर 2 साल का वीज़ा है और 2 साल पूरा होने से पहले पहले कंपनी उस आदमी को टर्मिनेट करती है, तो क्या ऐसी सूरत में वो कंपनी का वर्कर कंपनी के ऊपर केस कर सकता है? इसके अंदर कितनी सिचुएशन होती है? और अगर कंपनी किसी आदमी को टाइम पूरा होने से पहले पहले टर्मिनेट करना चाहे तो क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? या अगर कंपनी किसी आदमी को टर्मिनेट कर रही है तो उसका क्या सलूशन है कि आदमी अपने वीजा की जो मुद्दत है वो पूरी कर सके? ये तमाम बातें आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि इस वीडियो के अंदर जो जरूरी बातें हैं वो आपको समझ आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दें ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस भी आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों, एक आदमी एक वर्कर किसी कंपनी के अंदर काम करता है और कंपनी उस आदमी को अपने पास नहीं रखना चाहती, तो उसके बड़े 2 रीजन होते हैं। सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि एक आदमी किसी कंपनी के अंदर कोई गलत काम करता है, ऐसा गलत काम करता है जैसा कि चोरी करता है, चोरी करते हुए कंपनी के अंदर फंस जाता है, पकड़ा जाता है, या कंपनी के अंदर कोई और ऐसा बड़ा नुकसान कर देता है, या कोई ऐसी गलत हरकत करता है, या लड़ाई झगड़े हर टाइम कंपनी के अंदर करता रहता है और उसके रिकॉर्ड इतने खराब हो जाते हैं कि हर आदमी उससे तंग हो जाता है। तो ऐसी सूरत में कोई भी बड़ी कंपनी जो होती है वो ऐसे वर्कर्स को बर्दाश्त नहीं करती और वक्तन फवक्तन ऐसे लोग उस कंपनी से टर्मिनेट होते रहते हैं, ना सिर्फ उस कंपनी से बल्कि दूसरी कंपनी से भी। इसके अलावा जो दूसरा रीजन होता है किसी आदमी को टर्मिनेट करने का या कंपनी से बाहर निकालने का, वो कंपनी के पास नया काम ना होना होता है, यानी दोस्तों कंपनी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिलता। इस वजह से जैसे ही पुराने प्रोजेक्ट खत्म होते जाते हैं तो साथ साथ में आदमी की लिस्ट जारी होती रहती है और उसके अंदर जिन जिन लोगों के नाम आते रहते हैं उनको कंपनी बाहर निकालती रहती है, चाहे उनके वीजा की मुद्दत पूरी होने वाली होती है या उनके अंदर भी कुछ टाइम बाकी होता है। तो अभी बात करते हैं क्या ऐसी सूरत में आदमी कंपनी के ऊपर केस कर सकता है अपना वीजा पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, कंपनी अगर किसी आदमी को टर्मिनेट करती है तो टर्मिनेट करने से पहले कंपनी के लिए जरूरी है कि उस आदमी को, उस वर्कर को 30 दिन पहले इस चीज के बारे में ना सिर्फ जुबानी आगाह करते हैं बल्कि उनको एक पेपर भी देते हैं। टाइम पीरियड दोस्तों उनको देते हैं 30 दिन का, और 30 दिन के अंदर उनको बोला जाता है कि आपका जिधर दिल करता है उधर आप अपना काम ढूंढ लें, अपने लिए आप कोई दूसरी जॉब देख लें, और 30 दिन के बाद फिर कंपनी के पास अगर काम नहीं होता, उनको नया काम नहीं मिलता, तो ऐसी सूरत में दोस्तों फिर कंपनी उनको कैंसिल कर देती है, और कैंसिल होने के बाद आपके पास मजीद 28 दिन होते हैं काम ढूंढने के लिए, यूएई के अंदर स्टे करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप झगड़ा करते हैं, आपका कंपनी के अंदर और रिकॉर्ड खराब है, आपने कोई झगड़ा किया, कोई चोरी की और आप पकड़े गए, तो ऐसी सूरत में भी कंपनी आदमी को टर्मिनेट करती है बजाय इसके कि आपके काम ऐसे हैं कि आपको जेल में भेज सकते हैं कंपनी, लेकिन वो इन तमाम चीजों से जान छुड़ाने की वजह से आपको टर्मिनेट कर देते हैं। और इस टर्मिनेशन की वजह से चाहे आपको एक दिन का भी वो कंपनी टाइम ना दे, वो कंपनी का हक है, कंपनी के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, अगर आपकी कोई भी गलती नहीं है, कंपनी के अंदर आपका रिकॉर्ड भी अच्छा है और कंपनी बगैर कोई आपको टाइम पीरियड दिए आपको टर्मिनेट कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो ऐसी सूरत में आपको हक है कि आप कंपनी के ऊपर अपना केस कर सकें, आप अपना हक लेने के लिए या आपका जो वीजा है उसके पैसे लेने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जिस आदमी को कंपनी अगर टाइम से पहले कैंसिल करती है तो कंपनी का हक है। अगर उस आदमी की कोई गलती नहीं है, कंपनी अपने काम ना होने की वजह से किसी आदमी को टाइम से पहले कैंसिल करती है तो फिर उसको बकायदा भी ज्यादा देने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में आप कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन कंपनी अगर आपको दोस्तों नोटिस दे देती है, आपको टाइम दे देती है कितने टाइम तक आप काम ढूंढ ले, तो ऐसी सूरत में फिर आप कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकेंगे। इसके बाद बात आ जाती है कि अगर वो आदमी केस ना करना चाहे, उसके पास टाइम भी बाकी है, यानी उसका वीजा 2 साल का है, 10 महीने उसके बाद अभी मजीद बाकी है, या 1 साल बाकी है, तो ऐसी सूरत में अगर वो काम कहीं बार करना चाहे तो फिर आपको क्या करना होगा, आपने देखना है आपकी कंपनी के अंदर किस आदमी के दोस्तों ज्यादा अथॉरिटी है, किस आदमी की ज्यादा बात मानी जाती है, किस आदमी के पास उस टाइम में पावर है, आप उनके साथ बात करें। उस महकमा के अंदर चाहे एक पूरा महकमा है या चाहे वहां पर एक इंसान है जो तमाम चीजों को हैंडल कर रहा है, तो फिर आपने उसके साथ बात करनी है, उन लोगों के साथ बात करनी है। अगर एक गुरु
ग्रुप है तो उस ग्रुप के साथ आपने बात करनी है और हर हद तक आपने कोशिश करनी है कि आप उनको किसी न किसी तरीका से रिक्वेस्ट करके इस चीज के ऊपर राजी कर लें कि वो आपको बाहर काम करने की इजाजत दे दें और आपको वो एक पेपर बना के दे दें जिसके अंदर वाज़े तौर पर ये लिखा हो कि कंपनी खुद इस आदमी को कंपनी के अंदर काम न होने की वजह से बाहर काम करने की इजाजत दे रही है और जितने टाइम तक आपका वीजा है उस टाइम तक आप बाहर काम कर सकते हैं। जब आपका वीजा खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर आप बाहर काम करने के अहल नहीं होंगे। उस टाइम के बाद आप पकड़े गए तो फिर इस चीज के आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों ये एक सोल्यूशन होता है जिसकी वजह से आपका जो वीजा है वो आप आपकी कंपनी के अंदर काम ना होने के बावजूद भी वीजा का टाइम पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, आप कोई और गलत काम करते हैं, कंपनी के अंदर आप पकड़े जाते हैं तो ऐसी सूरत में बगैर कोई टाइम पीरियड दिए कंपनी आपको कैंसिल कर सकती है। तो उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो बातें मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आप बराबर समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।